रिश्तों के खिलते हैं कवल, हंसते गाते हैं सारे पल, यह मिलजुल कर सभी जीते हैं, आंसू भी बांट के पीते हैं। यह प्यार बरसता है चारों ओर, फिर भी दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर। तो माँ सो गई होगी, लेकिन मैं आज के लिए कल सुबह उनसे जरूर माफी मांग लूंगी। अरे माँ, ये क्या आपके हाथ में ये बाल्टी और पोछे का कपड़ा, क्या हुआ? नहीं, मैं कर देती हूँ। रहने दे तू, मैं खुद कर लूंगी। अरे माँ, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मैं लेट इसलिए हो गई क्योंकि मानसी के घर मुझे। मैंने तुझे कभी काम करने से नहीं रोका, क्योंकि तुझे भी जरूरत है इस घर से बाहर कदम रखने की, अपना ध्यान बटाने की। पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तेरा ध्यान इस घर से और इस घर के लोगों से ही हट जाए। नहीं माँ, ऐसा कभी नहीं होगा। आप तो जानती है ना कि इस परिवार से बढ़ के मेरे और कुछ भी नहीं है। खाना तो नहीं खिलाया होगा ना इस मानसी ने तुझे? उसने तो कहा था, लेकिन मुझे पता था कि आज आपने करारी वाली भिंडी की सब्जी बनाई है, तो मैंने ही नहीं खाया। अच्छा किया, चल खाना गर्म कर देती हूँ। लेकिन माँ, आप इतनी रात को ऊपर पोछा क्यों लगा रही थी? अरे बताती हूँ तुझे, एक काम करना, पहले तू ज्योति को फोन लगा, उसे भी तो बताऊँ आज घर में क्या क्या हुआ। ठीक है। अरे वाह मानसी बेटा, क्या पूरियां बनी है, मुंह में जाते ही घुल जा रही है। और ये सब्जी भी लाजवाब है, तू बस जल्दी से शादी कर ले। तेरे मुंह में घी शक्कर रेनू, तू तो हो ही जाएगी कॉम्पिटिशन जीतने के बाद। अरे द्वार घाट में ना लड़कों की लाइन लग जाएगी इसके पीछे। हाँ। अरे वाह, बड़ी तारीफ हो रही है मानसी के खाने की, मुझे भी टेस्ट कराओ जरा। बहुत टेस्टी है। मानसी, सच में तूने बनाई है? हाँ हाँ, और किसने बनाया है? तू भी ना खा पुत्र, खा, खाते हुए बात नहीं करते, खा ले। संध्या ने बनाई है। मानसी, सबको बता तो जरा कि तूने बनाई कैसे। हाँ बेटा, हमें भी बताओ कि कैसे बनाया है। नॉर्मल आटे की तो नहीं लगती, कुट्टू का है क्या? है कुत्ते, आंटी कुत्ते का आटा कौन खाता है? इतने गंदे लोग भी नहीं है हम। कुत्ते का नहीं बेटा, कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा वो क्या होता है? ओहो, अपनी सीक्रेट रेसिपी शेयर नहीं करना चाहती ना सबके साथ? बड़ी नॉटी है मेरी बच्ची, बचपन से ऐसी है। हेलो, ओके, इट्स अ गुड न्यूज, आप प्लीज मेजर आर्यन का ध्यान रखिए, मैं उनसे कुछ ही देर में हॉस्पिटल में आके मिलता हूँ। हाय, क्या हुआ मेजर आर्यन को? कुछ सीरियस नहीं हुआ मॉम, थैंक्स टू ज्योति, उसने टाइम पर मेजर आर्यन को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ज्योति? हाँ जी, पूड़िया वाकई बहुत अच्छी बनी है, बनाने वाले को कॉम्प्लीमेंट दे देना। ये ज्योति हर बार आर्यन के पास पहुंच कैसे जाती है? अरे नहीं, अब की बार तो आर्यन पहुंच गया उसके पास, उनका किरायेदार बनके। क्या? मैं एक मिनट में आई। हाँ मानसी पुत्र, एक मिनट आई जरा, खाओ तो सिखाओ। अच्छा, तुझे पता था क्या कि सब हो रहा है? जो मॉम, मुझे कैसे पता होगा, मैंने मेजर आर्यन के ऊपर कोई कैमरा थोड़ी लगा रखा है। तो लगाओ ना, पल पल की खबर रख उसकी। मम्मा क्या बोल रही है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा होता है और बहुत कुछ ऐसा हो रहा है, सब पता है मुझे।
मुफीना अपनी बेटी ज्योति की शादी आर्यन के साथ करना चाहती है, लेकिन मेरे होते हुए ज्योति और आर्यन एक साथ कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। आप उठ गए मेजो, आप कैसा फील कर रहे हैं? मेजो आप उठिए मत, आपकी चोट है, प्लीज मेजो रुक। मुझे याद नहीं क्या जरूरत थी, अपने आप ही ठीक हो जाता मैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे यहाँ लाके हॉस्पिटल में एडमिट करके अपने घर में रहने से रोक लोगे तो तुम्हारी गलतफहमी। ऐसे सिचुएशन में यूजुअली लोग दो शब्द कहते हैं, थैंक यू, मगर मैं भूल गई थी आप मीजो और आर्यन है। आपके डिक्शनरी में ये दो शब्द है नहीं, आपके पास दो शब्द है, शट अप। हाँ नर्स ठीक कह रही थी कि आपके रूम में से आवाज आ रही है। मॉर्निंग डॉक्टर ज्योति, मॉर्निंग मेजर, अब आपको कैसा लग रहा है? मॉर्निंग डॉक्टर, आई एम फाइन, आई विल लिव। थैंक्स टू डॉक्टर ज्योति जिन्होंने सही समय पे आपको हॉस्पिटल लेकर आए, वरना आपके घाव का इन्फेक्शन जानलेवा भी हो सकता था। मुझे समझ में नहीं आया कि ये बात आपने इतनी लाइटली क्यों ली, आपने चेकअप क्यों नहीं करवाया? मैंने कहा था डॉक्टर, लेकिन मेरी बात सुनता कौन है? नो मेजर, आपको बात सुननी भी होगी और बात माननी भी होगी, आफ्टर ऑल आपकी हेल्थ का सवाल है और जब तक ये घाव पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता आपको ज्यादा केयरफुल रहना होगा। से मेरे घर का एक भी कांच टूटा तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल समझना। मैं ध्यान रखूंगा सर। अब मेजर मुझे आपको कुछ कहना है। थैंक यू कहने आई हूँ, तुम्हारे पापा के सामने मैंने सच नहीं कहा इसलिए। यू रेड माई माइंड, कैसे अब अंतर्यामी भी हैं क्या आप? आर्मी वाले अक्सर लोगों के चेहरे पहचान के समझ जाते हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। वो तो हम डॉक्टर्स भी पहचान जाते हैं पेशेंट की चाल देखकर, जैसे मैंने पहचान लिया था, बट तब आपने मेरी बात मानी नहीं थी। खैर अब आपको मेरी बात माननी पड़ेगी वरना मैं डॉक्टर शंकर को डायरेक्टली कंप्लेन कर दूंगी। मैं डॉक्टर हूँ और आप पेशेंट, तो इस वक्त ये लुक देने का हक सिर्फ मेरा है। तो पहली बात, आपको सिर्फ आराम करना है, घर से बाहर कहीं नहीं जाना है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाते मैं आपकी डॉक्टर भी हूँ और चौकीदार भी। ये रही सारी मेडिसिन, इसमें लिखा हुआ है कौन सी मेडिसिन कितने डोज में कब लेनी है, ये चार्ट फॉलो करना है और टाइम पे लेनी है। अगर कोई भी दवाई मिस हुई तो डबल डोज लेना होगा और ये हमेशा दरवाजा खुला रखिए।
ताकि ताजी हवा आती रहे। ताजी हवा सेहत के लिए भी अच्छी है और दिमाग के लिए भी। और खाने की दिक्कत बिल्कुल नहीं है, आपको कहीं नहीं जाना है, सब कुछ यहीं आ जाएगा। आपको बस आराम करना है। आप ये वाली खिड़की भी एक्चुअली खुद पहले खुद का ख्याल रखना सीख लो, अपनी चौकीदारी मैं खुद कर लूंगा। अब मैं जाती हूं। पापा आप इतने परेशान, क्या जरूरत थी ऐसे आदमी के लिए सारी रात हॉस्पिटल में रुकने की? अगर आपको उनसे इतनी प्रॉब्लम है तो माँ से बात होने के बाद भी दो बार आपने फोन करके क्यों पूछा कि उनकी तबीयत कैसी है? मैं आप ही की बेटी हूँ पापा। सामने वाला पेशेंट भले दुश्मन क्यों ना हो, जरूरत में सेवा करना एक फौजी का धर्म होता है, ये आप ही ने सिखाया ना। और एक डॉक्टर होने के नाते मेरा अपना भी फर्ज है। फर्ज है लेकिन कर्ज नहीं है किसी का कि हम उसकी हर बात मानते रहेंगे। देख ज्योति, वो तेरी वजह से इस घर में आया है और वो भी मेरे कपिल के जन्मदिन से एक दिन पहले। मैं नहीं चाहता कि इस घर में और कोई क्लेश हो, समझा देना उसे, ठीक है? अरे दी आप आ गई, मेजर आर्यन कैसे हैं? आराम कर रहे हैं, हमारी नींद चैन सब हराम करके। इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों हो? मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ क्योंकि मुझे उन्हें घर से बाहर निकालना है, पर मैं क्या कर रही हूँ, उन्हें डिफेंड कर रही हूँ। और सिर्फ डिफेंड नहीं, मुझे उनका ख्याल भी रखना है। I can't believe मुझे उनका ख्याल रखना है। आप फंस गई यार इस सड़ू के चक्कर में। मैं मतलब इस बार कपिल भैया का बर्थडे तो सैड ही होगा। ओ हेलो, कपिल भाई का बर्थडे सैड क्यों होगा? आपका मूड ही ऐसा है तो हैप्पी तो होगा नहीं। ओके अब अभी भी सैड ही है। ओके अब ये हुई ना ज्योति दी वाली स्माइल जिसके लिए कपिल भाई कुछ भी कर जाते थे। अब इसी स्माइल के साथ उनका बर्थडे मनेगा। आज का दिन सिर्फ कपिल भाई के नाम। मीजो ड्रैकुला के बारे में एक मिनट के लिए भी नहीं सोचना है। अरे दीदी लैंप टूट जाएगा। Excuse me, सर कश्यप का घर यही है ना? हाँ सर, उनका पार्सल है। उन्हें बस मैं आ नहीं रहता। सही, एक तो सुबह सुबह मेरे घर का आंगन हड़प लिया और अब मकान मालिक बनकर डिलीवरी भी ले ली। आई नो मेरे यहां रहने से आप खुश नहीं है, पर देखिए मेजर आर्यन, अपने बेटे के जन्मदिन पर मैं आपको कश्मकश में रखना नहीं चाहता कि मुझे आपसे क्या प्रॉब्लम है। वैसे आप एक सच्चे मेहनती और ईमानदार अफसर हैं, लेकिन मुझे प्रॉब्लम आपकी आंखों से है, क्योंकि जो ये कहती है वो
वो आपकी जुबान नहीं बोलती। लगता है इसमें कई राज छुपे हुए हैं। बस उसी से मुझे दिक्कत है। इतने साल फौज में रहा, सूबेदार की नौकरी की, तो इतना तो समझता ही हूं कि जो बहुत साफ दिखते हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने दाग जरूर धोए होते हैं। मॉर्निंग मेजर आर्यन, कैसा फील कर रहे हैं बाप? हम आर्मी ऑफिसर्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स नहीं जो फीलिंग्स डिस्कस करें। मिशन पे ध्यान दो। बारूद कैसा है? अभी भी कोमा में है सर, लेकिन सर्जन्स का कहना है कि जल्दी कोमा से बाहर आ जाएगा। गुड, आई होप उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए तुम लोग दोनों ने नोट पैड और पेन उसके पास ही रखे। मेरे हाथ में सर। और पेन? इन माय हैंड सर। तुम दोनों साथ में मिलकर नोट्स लिखने वाले हो? हां, मेरे बिना दो दिन क्या रहे, यूजलेस हो गए हो। मेजर आर्यन, ये डिस्ट्रेस कॉल है। यू नीड हेल्प? इतने भी यूजलेस नहीं हो तुम दोनों। हाँ, ये डिस्ट्रेस कॉल है उस डॉक्टर चौधरी के कारण। इतनी छोटी सी चोट का इतना ओवर रिएक्शन? किरायेदार को कैदी बना दिया डॉक्टर चौधरी ने। कान खुले हैं मेरे। सर, जो भी हो जाए मैं पूरे दिन इस घर में नहीं रह सकता, रोपी आज के दिन। आज ऐसा क्या हुआ? हुआ था। ओके ओके, हम आपको बचाएंगे सर। सर, आपकी हेल्प करेंगे सर। एनीवे, मैं दोबारा नहीं कहूंगा कि मैं आज इस घर में नहीं रह सकता। वैसे जो करना जल्दी करो। ओके सर। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। राजेश बाबू, कपिल का जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद धन्यवाद बंगाली बाबू। अरे लेकिन तुम लोग अभी से क्यों आ गए? पूजा के मुहूर्त में तो अभी दो घंटे बाकी। अरे राजेश भाई, गजब की बात करते हो यार। अरे इतनी अच्छी खबर मिलने के बाद मुहूर्त का इंतजार कौन करेगा? खबर? कैसी खबर? वो खबर ये है कि यार, कि तूने भाभी जी से जो वादा किया था ना कि कपिल पुत्र का सारा पर्सनल सामान दान बेच देगा, वो वादा पूरा नहीं हुआ। तभी तो हम लोग मदद करने के लिए आए हैं ना, तुम थोड़ा कुछ जोर से धक्का देने के लिए। अच्छा, अब समझा मैं कि घर का भेदी है कौन और कौन यहाँ अंदर की खबर तुम लोगों तक पहुंचाता है। हाँ, ये तो अच्छा ही है ना कि पति की जासूसी करो और उसके दोस्तों को ही उसका दुश्मन बना दो। ये लो। और फिर मैदान छोड़ के भाग जाओ। इनसे ना कुछ भी नहीं छुपता। राजेश बाबू, अब हम लोग इधर आ गया ना, तो तुमको अपना वादा तो पूरा करना पड़ेगी ना। बिल्कुल 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 दादा, तुम सही कह रहे हो। मैं भी शायद बीते हुए समय में अटक के रह गया हूँ। शायद तुम लोगों की मदद से आज मैं जी पाऊं। अपने बेटे के जन्मदिन पर उसके नाम पे कुछ नेक काम कर पाऊं। बिल्कुल सही कह रहा। वन टू। दीदी, ये क्या कर रहे हो यार आप? आप भूल गए आपने कल क्या कहा था? कुछ नहीं भूली। ये जो मेजर ड्रैकुला है ना, ये बहुत अड़ियल है और अजीब भी। बेहोशी में भी होश में रहता है। क्या? कुछ नहीं, मेरा मतलब है कि आज अगर मेरी नजर हटी समझ जा दुर्घटना घटी। दुर्घटना भी घट जाएगी और अपनी नाक भी कट जाएगी। एक तो पहली बार हम दोनों साथ में डांस प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ना आपका टाइम पे ध्यान है और ना आपका खुद का ध्यान है। क्या कर रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं है। कुछ तो करना पड़ेगा, वरना दीदी नाक भी कटवाएगी और ऊपर से पापा की डांट पड़ेगी, वो अलग। दीदी दीदी, मेरे पास एक प्लान है, लेकिन मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। आए हाय, मेजर आर्यन का फैन आज मेरी टीम से बैटिंग कर रहा है। क्या प्लान है बताओ? Mm-hmm.
What the hell? Sorry, but और कोई तरीका ही नहीं है. हमें free space चाहिए dance practice करने के लिए. Free space? अरे कपिल भाई के birthday के दिन आप कपिल भाई के room में कपिल भाई के भाई बहन को नहीं आने देंगे तो कपिल भाई को कितना बुरा लगेगा आपको पता है? Stop it and get out please. Get out. हाँ rude. यार से बोलते ना तो हम मान भी जाते. है ना जय? अब हम बिल्कुल नहीं जाएंगे. Fine. और आपको भी नहीं जाने देंगे. रास्ता छोड़ो मेरा. अगर मैंने आपको रास्ता दिया तो आप मुझे चकमा देके घर से बाहर निकल जाएंगे. इसलिए नो वे, लाइक लिटरली नो वे. अपनी चौकीदार को इतना बेवकूफ मत समझिए. इसमें समझने वाली कौन सी बात है? ओके, तो आज फैसला हो ही जाए. देखते हैं किसका दिमाग ज्यादा तेज है. आप ना जितने चाहे उतने तिकड़म भिड़ा लीजिए. आज आप इस घर से कदम बाहर रख ही नहीं पाएंगे. ये मेरा चैलेंज है. एक मिनट. आपको यहाँ पे डांस प्रैक्टिस करनी है और आपको म्यूजिक नहीं सुनना. झगड़ो मत, एक सल्यूशन है. ओके. भाभी आई. ओके जय, भाभी बुला रही है. तू इन पे नजर रख, मैं अभी आई. दीप, मैं ट्रेनिंग रुकी है, कैंसिल नहीं हुई. व्हाट सर? तो तुम्हें अभी भी याद है कि मैं तुम्हारा सर हूं? और मेरे ब्लड में जो कुछ भी होता है वो मेरी मुट्ठी में होता है. इसलिए अगली बार जब भी अपने बहन की टीम में से खेलोगे ट्रेनिंग उतनी ही मुश्किल होती जाएगी. सर बिलीव मी सर, मैं आपसे ज्यादा फंसा हुआ हूँ सर. मैं दोनों तरफ से फंसा हुआ हूँ सर.